हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है हैंडशेक के पीछे क्या हिस्ट्री है और पुराने ज़माने में लोग हैंडशेक क्यों करते थे। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मल मीटिंग्स में स्पोर्ट्स चालू होने से पहले या फिर पॉलिटिशियन जो है वो हैंडशेक करते हैं, और ये ट्रेंड जो है काफ़ी पुराने ज़माने से चालू है, और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हैंडशेक करने का जो ट्रेंड है वो चालू हुआ था 5th century में, और तब ज़्यादातर लोग जो है वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते थे, यानी बहुत सारे ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करते थे फाइट के लिए, और ज़्यादातर लोग जब पीस यानी शांति चाहते थे तब ये जो हाथ मिलाते थे एक दूसरे से, और उसके बाद वो शेक करते थे ताकि पता चल जा सके कि सामने वाले के हाथों में कहीं पे कोई भी वेपन तो छुपाया नहीं है। तो ये हैंडशेक था शांति का प्रतीक, एक पीस का प्रतीक, जो युद्ध को बंद करता था, जो युद्ध को समाप्त करता था, और दो पार्टीज में जो है वो समझौता हो जाता था। इसकी वजह से पुराने ज़माने में जो है वो हैंडशेक करते थे, और ज़्यादातर लोग जो है वो राइट हैंड से ही हैंडशेक करते थे, क्योंकि राइट हैंड से हैंडशेक करना थोड़ा सा एक पॉजिटिव माना जाता था, और ज़्यादातर लोग जो है वो राइट हैंडेड ही होते हैं, इसीलिए वो राइट हैंड से ही हैंडशेक करते हैं। आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑफिशियल मीटिंग्स में, कोई भी खेल शुरू होने से पहले या फिर जब भी पॉलिटिशियंस मिलते हैं तब हैंडशेक ज़रूर करते हैं, और ये एकदम फॉर्मल एक ऐसा साइन बन चुका है, फॉर्मल सिंबल बन चुका है, जो कि लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जो एक प्रोटोकॉल आया था जिसमें हैंडशेक करना अवॉइड किया गया था, और लोग जो है वो नमस्ते करके एक दूसरे को जो है वो वेलकम करते थे। तो यही हिस्ट्री है ये हैंडशेक करने के पीछे। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी कि ये ट्रेंड जो है वो कब शुरू हुआ, और पुराने ज़माने में ये हैंडशेक क्यों किया जाता था, ये कैसे शुरू हुआ, और आज ये क्यों चालू है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको एग्जाम या इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज़ को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।